हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी बच्ची ने किस तरीके से फायरलेस कुकिंग की है। बहुत बढ़िया केक बनाया था, मैंने खुद खाया, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो इस बच्ची के द्वारा बनाया गया केक हार्ट की शेप में वो कैसे बनाती है वो देखेंगे। बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये, आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। इसमें इन्होंने यूज़ किया है ये 4 पैकेट ओरियो बिस्किट के, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, आप किसी भी शॉप से लेके यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में यूज़ किया है ब्रेड स्लाइस, जो कि वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास में अवेलेबल हो वो ब्रेड आप यूज़ करें। और उसके जितने भी साइड के कॉर्नर्स हैं वो सब हटा दिए, सारे एजेस हटा दिए। और इस ब्रेड को हम दो शेप में कट करेंगे, एक तो स्क्वायर शेप में और एक सर्कल शेप में। तो सबसे पहले हम इसके एजेस को कट करेंगे इस तरीके से। आप ब्रेड को रेडी कर लें। जैसे आपके आपका कुछ भी आप छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आप घर पे बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस रेसिपी को आप मेरे हिसाब से एक बार बना के देखिए घर पे। और ये देखिए, हम सर्कल शेप में काटने के लिए हमने यूज़ किया एक गिलास, और ये सर्कल शेप में निकल के आ गए पीसेस। और एक ये हमने लिया है पानी, और इसमें डाला है आधा कटोरी पानी है, और इसमें डाला है 4 चम्मच चीनी, और एक ये लिक्विड तैयार कर लिया। और एक एक करके स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, इस पानी को अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। इतना इसके अंदर हम इस लिक्विड को डालेंगे कि वो सोख ले इसे। और जितने भी ओरियो बिस्किट हैं वो हम मिक्सर करने वाले हैं, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दूध, और इसका एक हम अच्छा सा चॉकलेटी क्रीम बना कर लेके आएंगे। ये देखिए आपकी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। हाँ, बस इस तरीके का ही हमें चॉकलेट क्रीम चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से इवनली आप इस लिक्विड को स्प्रेड करें, इतना करें कि ब्रेड इसको अच्छे से सोख ले, क्योंकि ये फिर हमें ब्रेड मीठी लगने वाली है, इस वजह से हमें इसको इस लिक्विड में हमने डिप किया है। और हमारी चॉकलेट क्रीम भी रेडी, और इसको भी अच्छे से इवनली ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको भी कोट करेंगे। जितनी भी आपके पास में स्लाइस है, सेम प्रोसेस में आप सभी को कोट करके किस तरीके से ये छोटी सी बच्ची एक के ऊपर एक लेयर लगा लेती है वो देखें इस वीडियो में आप। इस तरीके से रखा, फिर उसके ऊपर आप फिर एक लिक्विड का लेयर लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे क्रीम चॉकलेट जो हमने ओरियो बिस्किट की बना के रखी हुई है। जितने भी आपने सर्कल ये कट किए हैं वो सब इस तरीके से एक के ऊपर पाइल बनाकर रेडी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और इस बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस।
अब मेरे साथ एंड तक बने रहे हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाने वाले हैं ये, बहुत ही बढ़िया। ये देखें, इवन जैसे मैं हमने ओरियो बिस्किट यूज़ किया है, आप चाहे तो चॉकलेट मेल्ट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत जल्दी बनने वाला इजी प्रोसेस है। और हमारे सर्कल पीसेस सब रेडी। और इसको हम बिल्कुल सेंटर से इसका सेमी सर्कल बनाएंगे, एकदम सेंटर से इसके बीच में हम लगाएंगे कट। दो सेमी सर्कल हमारे बनकर रेडी। चलो अब हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रेड्स, उसमें भी हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं चॉकलेट और किस तरीके से हम लिक्विड को अप्लाई करते हैं वो सेम ही प्रोसेस रहेगा जैसे हमने सर्कल में यूज़ किया है। आप इसको भी रेडी करें। ये एक सर्कल लिया है, एक हमने स्क्वायर लिया है, तो इसका लॉजिक ये है कि हम इससे हार्ट शेप बनाएंगे। वाव, यमी यमी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली ये डिश है। और हमारे स्क्वायर ब्रेड्स भी रेडी, सर्कल ब्रेड भी रेडी। चलो अब हम इसका देंगे शेप। ये देखिए, तब बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी है, आप बिलीव करें। ये देखिए, हमने जो सेमी सर्कल निकाले थे वो हम इस स्क्वायर ब्रेड के साइड पे रखेंगे। ये देखिए, हम अब हम इसका एक मैजिक सर्कल बनाने वाला, हार्ट बनाने वाले हैं। वो देखिए किस तरीके से बन के आता है। ये देखिए, वाह, यमी ना बन गया हार्ट। आप कितनी प्यारी शेप लग रही है। और इसको अब इवनली अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम चॉकलेट ओरियो का, और इसको करेंगे डेकोरेट। वाह, है ना यमी केक। और ये लगा दिया इन्होंने स्टिकर हैप्पी बर्थडे का। वाह, और जो छोटे छोटे क्रम्स हमने जो सर्कल कट करके रखे हुए थे वही साइड के पीसेस हैं जो ये डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इट्स अ गुड आइडिया। बस हमारा केक बन के रेडी। जो बची हुई क्रीम है, चॉकलेट है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे जिससे हमें थोड़ा सा देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा ये। और इसको करेंगे हम
आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ठंडा हो जाए, और फिर आप इसको एक बार खा के देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।